मंगा सुना है के भगवान जी भगवान ओ बिल्लू की मम्मी बिल्लू हाँ थारे छोरे का नाम बिल्लू है और तुझे पता ही नहीं है मैंने तो आज ही पता लगी हाँ मुझे भी कम पता चल रही है मुझे भी नहीं पता कि बिल्लू तेरा छोरा किसको एक बात बता दो पूछो आज यो सज धज के जी और नया सा सूट पहन के पहन के और पता नहीं कौन सी वैरायटी की लाई है जैकेट सी के है वो हाँ लाइनर लाइनर मैं बता दूँ और टीका लगा के हाँ और शाही बिंदी करके जी आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है 12:30 हो गए अब तो घर जाने का टाइम हो लिया जी 12:30 हो गए जी अब घर जाने का समय हो गया जी घर जामने का समय तो जब होगा जब योगेश भाई तने छुट्टी देगा कौन सा भैया टोपा वाला ये भैया तनु कह रहे हैं बस निकल लो तुम काम हो लियो चलते वालो देखे भगवान मुझे सही सही बता आज कहां मेरी बात सुनो हाँ मैं जा रही हूँ नगर कोट मजवाला जी के दर्शन के लिए अच्छा हाँ जी मुझे ऐसा लगे कब ताऊ ने बहका दी दिखे जो ओढ़ के बैठे हो चतरा ना ताऊ तो तभी मैं बेचारे तो बात भी ना करी मैंने अभी तो बात भी ना करी नजर तो ताऊ ने ऐसा काट रखी है जैसे कती मेटाडोर पे भैंस गिर दे है और देख ये प्यारे प्यारे तेरे देवर बैठे हैं टोपा बारे कती भगत सिंह है रोजन के और का देख एक बात बताऊं जी ऐसे ऐसे मिलेंगे अगर वहां जाएगी तो कैसे कैसे जैसे जैसे ये आइटम बैठे ये मूछ मारे जैसे हाँ हाँ ये आइटम से लग रहे हैं वैसे हाँ ऐसे मिलो जी कैसे मिलो जी मैं तो दर्शन करने जा रही हूँ दर्शन करने जाएगी जी अगर मैं दर्शन इधर ही करा दूँ तो इधर करा दो और देख वहाँ तो माँ ही माँ मिलेगी जी और यहाँ तो बाबा फ्री में मिलेगा अच्छा यू भी बात है और कौन से बाबा देख माँ तो यू बैठी पैर पहन के अरे सोने को पैर रखे काम टुकड़ा रखे बुढ़िया तो माँ मेरी माँ है तेरी सासू है अरे तो मुझे तो दिए ही नहीं देख बुढ़ापे में शौक कर रही है तू कहा करे कहीं गिर आवे की मेले में चरबावे बहुत अच्छे मतलब मैं मेरी पैर ने ओढ़ने की उम्र वो पर देख बाबा पीछे बैठे डॉक्टर इनकी सेवा मैं रोज करूं मैं अपनी माता बहनों से पूछना चाहता हूं और अपने बुजुर्गों से अपने नौजवान भाइयों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप सबसे जिनके घर में सास ससुर बैठे हों और जिनके घर में माँ बाप बैठे हों उन्हें कहीं जाने की कोई जरूरत है दादा सच बताना हाथ खड़े करके बताओ आप भी और चाहे फिर कहीं भी उड़ी डोलो कोई दिक्कत थोड़ी ना जो तो बिना उड़ने के पंख लग जाए बिना नौथ मुडाला ना कहीं डोलो कौन रोक रहा लेकिन सच्चाई और ईमानदारी यही है जिसके घर में सास ससुर हो और जिनके घर में माँ बाप हो वो उनकी पूजा कर ले उनकी सेवा कर ले अन्यथा कहीं जाने की कोई आवश्यकता इनकी मैं रोज करूँ पर आज बड़ी वाली माँ पास जाऊंगी बड़ी माँ के पास जाएगी हाँ। छोटी माँ तो रूसी बैठी है ना देख हंस रही है कितनी मलूक और घर की माँ ने तो न दे रही है दूध चाय भी टेम पे मैं दूँ और वैसे बाहर के माँ ने ढोक ये तेरी माँ मतलब तू भी झूठ में शामिल है रही है दूँ माँ सच्ची बताइयो हाँ तेने देखी तो आज ही को हंस दे दी तो अच्छा आया ना तू सपने में बात हो जाए हमारी इनकी फोन वोन पे बात कर ले न्यू कहते व्हाट्सएप पे चाय पी लू मैं सुबह सुबह रोज वो ऐसा लगे माँ भी ऐसी दिखे गुड मॉर्निंग करके हाँ हाँ दोनों दोनों माँ बेटी ऐसे है रही है जैसे कोई बोंगो काट दियो हो भाई भी घर के तुम्हारी तरह थोड़ी है कति ओ और का खाए भी घर के हम हाँ खाए भी घर के अरे तभी बम बह रही हो खा खा के और के जब खाएंगे तो बम तो होंगे सीधी सी बात है हाँ देख एक बात बताऊं जी या तो राजी राजी मान जा और नहीं तो क्या करोगे नहीं तो गैर राजी मानेगी कैसे दो ही लाठी में टन्नी टन बोलेगी लाठी में बोलू जन्ना बोलूंगी पर मैं जाऊंगी फिर भी जाएगी हाँ फिर योगेश का इंतजाम करना कुछ भी ना जान दो या कि एप्लीकेशन दर्ज कर कुछ भी करो ना जान दो राजी राजी नहीं तो फिर कहा जब जाता झगड़ो मोलो अच्छा और तो सुन ले मेरी सुना दे Oh,
कुछ दिलाया हो नहीं दिलाया नहीं ईमानदारी से सच्ची में मम्मी कसम तुम्हारी मम्मी कसम नहीं नहीं अपनी मम्मी की कसम तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी अलग अलग है कोई डॉक्टर साहब जब भी इसने ये कहा ना कि भाई मुझे वो ला करके देना है अरे भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ दरबार में खड़े होकर डॉक्टर साहब कई बार अपने सामान न लाए हो लेकिन इनको लाना पड़े क्योंकि मजबूरी है तुम कौन सी लिपस्टिक बिंदी लगाओ जैसे आप लाओ ना माँ का जोर कोई हार बनवाए और का तुमने तो ऐसे मैंने लाके दियो एक बात बता ये सूट कहाँ से आया पीहड़ते ये चादर कहाँ से आई पीहड़ते ये जैकेट कहाँ से आई ये पीहड़ते ये अंगूठी ये दो बालक ना लाई भाई बालकन की कह रहे बालक तो पीहड़ते आएंगे और का ये बिल्लू भी पीहड़ते ही लाएंगे ये बिल्लू टिल्लू सब तो आ रही हैं अरे गोरी तू कित चाली गोरी तू कित चाली करके सोले श्रृंगार अब मेरी बात सुन हो मैं मैया रानी के पिया जाऊं सुंदर बार मैं मैया रानी के पिया जाऊं सुंदर बार गोरी तू कित चली गोरी तू कित चली करके सोले शिकार SMS आया तो वैसे उठी डोल रही है कुछ ना कुछ तो आया ही होगा ना तो फिर दिक्कत क्या आ रही है ये सारी चीजें जितनी तुमने बताई कुछ भी ना हुआ अच्छा हाँ के फोन कोई आया के फोन कोई आया या आया से कोई तार अब मेरी सुन सपने में पिया जी आई मैया हमारे द्वार सपने में पिया जी आई मैया हमारे लटके की गोरी पल्लो लटके पल्लो लटके की गोरी पल्लो लटके कैसे कंफ्यूज हो रहे हो भैया सुनो
ये किराया जब मैं जा रही हूँ तो मेरे हाथ में आना चाहिए। नहीं तो परेशान से होगा वो भूल को डिसीजन लेने को न दो। वही कंफ्यूज हो रहा है, ये जा रही है कि ये जा रही है। हाँ 25-25 है यार, ऐसे तो फिर 25 में तुम्हारे गांव के अड्डे तक भी ना पहुंचाएगा कोई। हाँ हाँ बात तो सही, बहुत दूर की बात है। बात तो सही कह रही है। और ले आओ, ऐसे में हम आगे चले, तुम निकाल के लाओ। अब सुबह देगो तो विदा में ना, अभी लाएंगे, ऐसी बात ना, हल्के मत लियो। अच्छा अब के 100 को दे दो, इतनी कंजूस है। ठीक है ना, एक और ले दो। हैं अड्डे पे भी ना पहुंचूंगे अभी। वैसे अब तो तू इनते कोकला बन पहुंच जाएगी। के कौन कोई आया, के कौन कोई आया, ये आया से कोई ना पिया जी आई मैया मारे बा सपने में भी आनी आई मैया मारे द्वार। ओ पल्लो लटके गोरी पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी पल्लो लटके, अरे पल्लो लटके की गोरी पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी पल्लो लटके। जरासी 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 ऊपर हो गए पल्लो लटके, जरासी तेरी हो गए हल्के में ले रही है। अच्छा हल्के में ले रही हूं, खाई पिए घर की मंदिर के सारे। हां यू खाई पिए घर की ये पहन दो। आप ही भाई देख के पता ना कौन सा सूरजमल समझे अपने आप है। डॉक्टर साहब बतरा लो या पहन दो ते। तुम ते तो ठीक ही हूं हैं, देख कैसे कर रही है पेपो। सुन ले मेरी बात। कितने धक्के खावेगी यू कहा हो तेरा सिस्टम। कितने धक्के खावेगी दुखी तू हो जावेगी। साजन तेरी गोरी मैया न मनावेगी। साजन तेरी गोरी मैया न मनावेगी। साजन तेरी गोरी मैया न मनावेगी। ये लेके आवेगी, ये लेके अब मेरी सुनो, मैया से अर्ज करो पर हो जा बेटा पार। मैया से अर्ज करो पर हो जा बेटा पार। ऐसे ही तरह दोनों हाथ ऊपर करेंगे मेरे साथ।
साथ मिलकर के जिनको आनंद आ रहा वो ही करेंगे, आपको आ रहा है नहीं आ रहा, उठा के दोनों हाथ और यही कहना है क्या, ओ भैया का शेर वाली का जोता वाली का पहाड़ों वाली का लाटा वाली का दरबार सुहाना लगता है। किन किन को मेरी माता रानी का दरबार अच्छा लग रहा है जरा दोनों हाथ उठाएंगे। ओ भैया का दरबार सुहाना लगता है, भैया का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। छोटे छोटे तू लिए मैं तो बड़े बड़े लेकर आऊंगा। अब मेरी बात सुनो। हाँ, ऐसे कोई कमरे में बंद थोड़ी है। बड़े बड़े लाऊंगा तो घर की शोभा बढ़ेगी और फिर डॉक्टर साहब हाँ फिर जो लगा ले आनंद ही आनंद घर में बैठ के खा लो और हाँ यूं ही काम करोगे तुम और फिर एक काम बढ़िया और हजागो योगेश बताऊ कौन सा या मानपुर गांव में मौत कोई ताऊ कहवे कोई चाचा कहवे कोई दादा कहवे पर एक काम की कोई ना कहवे कौन से देख की बेचारी ऐसे देख रही जैसे गूंगी देखे काम तो बताओ अरे मैं तो पापा बन जाऊंगा अच्छा।
राजीव जी ने यहाँ पर ये दरबार लगाया है जी, सुंदर से भंडारा भंडारा और सुंदर से जागरण करवाया है करवाया है, तो फिर ऐसे मैं भी करवाऊंगा। की बात है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अच्छा इन सबको बुलवाऊंगा। यह बड़ी खुशी की बात है। बच्चे हो जाएंगे हो जावेंगे हम खुशी मनावेंगे। मैया का जगराता मैया का जगराता फिर हम करवावेंगे। मैया का जगराता फिर हम करवावेंगे। अरे लोग बेच दे अपने ओ ओ ओ ओ अरे लोग बेच दे अपने करवावे प्रचार। अब सुनो चेला ढाकर संग में कविता का